स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मजाक मजाक में सब आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। सब नहाए धोए छिले हुए अंडे की तरह, ठीक है। तो अभी हमने एलसीएम का बेसिक खत्म किया, अब हम एससीएफ का बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तो फटाफट से आप हेडिंग लगाओ, काले रंग की एससीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जिसको भी ये राइटिंग समझ में ना आ रही हो, जिसको लग रहा हो कि मैं गंदा लिख रहा हूं, तो तुरंत अपनी कॉपी में झांके उसका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि ये राइटिंग गंदी है या उसकी, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे एचसीएफ, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखें जैसे फैक्टर क्या होता है, पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे 12 और 16 दो संख्याएं हैं, फैक्टर दो संख्याएं, फैक्टर 12 और 16। तो 12 और 16 के अगर मैं फैक्टर करूं, 12 की बात करूं तो 12 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये 12 के फैक्टर हैं। 16 की बात करूं तो 16 के फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8, 16, ये 12 और 16 के फैक्टर हैं। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही थी, बहुत ठंड लग रही है, क्या बात है, सिमिला बना हुआ है एकदम, कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में कोट वोट पहन के आऊंगा जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, सीएफ, कॉमन क्या क्या है आप देखेंगे, इसमें कॉमन है 1, 2, 4, बस इतना कॉमन है। अगर इसमें हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, तो वो 4 है, तो 4 ही क्या है, एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया एचसीएफ ऑफ X, Y, Z is the largest number, वहां smallest है, यहां पे largest है, is the largest number which can divide X, Y, Z exactly। वहां हम X, Y, Z से भाग कर रहे थे, यहां हम X, Y, Z में भाग कर रहे हैं। एक्स वाई जेड का एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि हम एक्स वाई जेड को पूरी तरह भाग कर सकते हैं। एचसीएफ में कई बहुत काम की बातें जो आपको अब सीरियस होकर समझनी है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई एचसीएफ हम निकाल कितने तरीके से सकते हैं और कौन कौन से तरीके इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, कौन कौन से नहीं है। आप इतना समझ गए कि एचसीएफ क्या होता है, मैंने बोला एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन है तो पता नहीं, लोग मुझे समझ जाते इतना पढ़ते क्यों यार, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें क्या मतलब है चैनल ये वो, इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम पढ़ाई करो, वीडियो आए पढ़ो, खत्म करो बात को, तुम्हें बहुत दिमाग लगाना है, इसी कामों में रह जाओगे और तो कुछ है नहीं, बता रहे कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में, छीलते रहना घास बैठ के, ठीक है। सिर की तो सारी घास छिली गई, एक बाल नहीं रहा, बहाना मारते हो दिल्ली का पानी ऐसा है, अरे भाई दिल्ली का पानी ऐसा नहीं है, नौकरी टाइम पे नहीं लग रही इसलिए बाल उड़ जाते हैं, नहीं तो उल्ली के पानी में तो हम भी रह रहे हैं, प्लास से भी पकड़ के बाल खींचोगे एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ लो और इसी बार नौकरी लो, 4 महीने की तैयारी में, मात्र 4 महीने की तैयारी में एसएससी निकल सकता है, बशर्ते आपने पढ़ा क्या है। क्योंकि जिस रास्ते पे, अगर इस रास्ते पे एसएससी और आप उस रास्ते पे जा ही नहीं रहे, आप इधर चले जाते हैं फिर 2-3 साल बाद घूम के यहाँ आते हैं, कोई इतना इधर निकल गया कि उसका तो स्कोप ही नहीं है यहाँ पहुंचने का, आपके पास सही रास्ता नहीं है, आप उस रास्ते पे चल नहीं रहे जिस रास्ते पे सफलता है, जिस रास्ते पे उसका घर पड़ता है, तो कभी आप नहीं पा पाओगे उसे, ठीक है। तो ये 2-3 बातें जरूरी है जो मैं बताता हूँ पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि भाई हमने एचसीएफ की डेफिनेशन सीखी, अब हमें सीखना है कि भाई हाउ टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ये वाला पेन चल नहीं रहा तो आप देख लो कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का पहला मेथड तो यही है, प्राइम फैक्टर मेथड, जिसकी जरूरत नहीं है, बस एक बार जान लीजिए आप कि क्या होता है प्राइम फैक्टर मेथड। कोई बच्चा फालतू तो नहीं बोल रहा है, कहीं नहीं बोल रहे यार, छोड़ो कोई नहीं, तुम्हारा जो दिल करे ना तुम बोल लिया करो, जैसा तुम्हारा मन करे, ठीक है। तुम्हारा मन करता है बुरा बोलने तो तुम बुरा बोलो, तुम्हारा ही मुंह गंदा होएगा, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हम तो वहां से निकलेंगे नहीं जहां पे तुम बुरा बोल दोगे, तो तुम्हारी मर्जी है जो बोलो। प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, जैसे 12 था तो 12 के हमने फैक्टर कर दिए 2×2×3, 16 के हमने फैक्टर कर दिए 2×2×2×2। अब जो भी कॉमन होगा, जैसे 2 कॉमन है तो 2 को ले आएंगे, फिर 2 कॉमन है तो 2 को ले आएंगे, कितना आ गया, तो 4 क्या है, एचसीएफ है इसका,
ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ये मेथड काम करने इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिवीजन मेथड की यहाँ पे जरूरत है। डायरेक्ट सवाल एसएससी ने डिवीजन मेथड पे पूछा है, वो सवाल भी हम करेंगे। क्या है डिवीजन मेथड पे वो सवाल देखेंगे। डिवीजन मेथड क्या है? डिवीजन मेथड भाग विधि। भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एक्चुअली इस प्रोसेस पे सवाल आ जाता है, इसलिए प्रोसेस जानना जरूरी है। जैसे मुझे 16 का एचसीएफ निकालना है, 16 और 12, 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12 कितना बचेगा 4। फिर क्या करेंगे, इस 12 को इधर लेके आएंगे, फिर भाग करेंगे 4 से 12। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं बचता। अब रिमाइंडर जीरो बच गया, तो ये जो 4 है इसको हम कहते हैं फाइनल डिवाइजर है, अंतिम भाजक है ये। यही क्या है? एचसीएफ। यही एचसीएफ, दिस इज कॉल्ड फाइनल डिवाइजर। ये जो 1 और 3 बच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोशेंट, ये भागफल है। दिस इज कॉल्ड कोशेंट, ये क्या है? भागफल है। इस डिवीजन प्रोसेस पे कैसे सवाल आया था वो सवाल मैं बताता हूँ, ठीक है? क्या सवाल था? तैयार है गाइज? ऑफ स्मॉल साइज, समझ रहे? किसी बच्चे को कोई दिक्कत ये तो नहीं कि भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज रुक रुक के आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पढ़ते रहिए बस, आप बहुत अच्छा करेंगे आप जीवन में। मेरी ये दुआएं आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा जीवन जिए आप, किसी भी तरीके का अफसोस आपको ना रहे। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। क्या सवाल है? सवाल ये था भाई कि इफ इन इन आएगा इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड। सवाल में ही बोल दिया, पता है? अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सवाल बनाने वाले ने ये बोल दिया कि भाई मैं एचसीएफ फाइंड कर रहा था 2 नंबर का और डिवीजन मेथड से कर रहा था, तो मुझे पता चला देन 3 क्वेश्चंस आर, उसने तीनों क्वेश्चन दे दिए जो जो बचते हैं, 3 क्वेश्चंस आर 5, 4, 3 एंड फाइनल डिवाइजर इज। उसने ये भी नहीं बोला कि ये 32 एचसीएफ है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि भैया 32 एचसीएफ है या फिर 32 को ही हम फाइनल डिवाइजर बोल सकते हैं। अब 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 तरीके के ये बना लेंगे बॉक्स, दिख रहा है बच्चों को नीचे तक यहां तक? ये 5 है, ये 4 और ये 3 और ये 32। अभी हमारी आपकी बात हुई कि भैया फाइनल डिवाइजर तभी बचेगा जब यहां रिमाइंडर जीरो होगा। यहां रिमाइंडर जीरो होने का मतलब क्या है कि यहां पे जो संख्या होगी वो 32 × 3 96 होगी, तभी वो 32 से पूरी कटेगी। ये 96 कहां से आया होगा? ये 96 यहां से गया और ये 32 यहां पे रिमाइंडर बचा होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने ये बात बताई थी, यहां पे क्या आएगा 96 × 4 + 32 = 416। ये 416 कहां से गया होगा? अगर मान लेते हैं एक नंबर हमारा 416 आ गया और एक ही ऑप्शन में 416 है, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 416 को ही उत्तर बता देंगे, ठीक है? अब ये 416 यहां से क्या होगा और 96 रिमाइंडर बचा होगा तो क्या आ जाएगा, 416 × 5 + 96 = 2176। तो जो 2 संख्या हमसे पूछी थी वो 416 और 2176 है। अगर ना समझ आया हो तो दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो को रिप्ले करके देख लेना बाद में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने एलसीएम में 3 मेथड सीखे, ऐसे एचसीएफ में भी 3 मेथड हैं, जिसमें मैंने कहा एक काम करनी है, वहां पे 2 काम के नहीं थे। तीसरा वाला मेथड काम का है, उसका नाम लिख लीजिए असली मेथड, ठीक है? तीसरा फिर से वही है, असली मेथड, मिटा दें इसको, ठीक है भाई? असली मेथड, असली मेथड बहुत काम का है, वेरी वेरी मच काम का है, ठीक है? क्या है ये मेथड? एक भी मार्कर नहीं चल रहा है, कोई नहीं, ठीक है भाई? बहुत काम का मेथड है। क्या है ये काम का मेथड, मैं बताता हूं। देखो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 2 संख्याएं ए और बी, 2 संख्याएं ए और बी, ठीक है? कोई मुझे कहता है कि यार इनका एचसीएफ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? कोई कहता है कि यार इनका एचसीएफ 15 है। अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है तो मैं ये कह सकता हूं भाई
कि ए भी 15 से कट रही होगी और बी भी 15 कट रही होगी। अगर कोई मुझे ये कहता है कि यार इन दोनों का अंतर 10 है, तो क्या ये बातें सही हैं दोनों, या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं? बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कैसे? अगर ए 15 से कटती है तो अगली संख्या जो 15 से कटेगी वो कम से कम 15 दूरी पे होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे आप जानते हो कि भी 30 15 से कटती है, तो अगली संख्या 15 से कौन सी कटती है? 45 कटती है। ऐसा नहीं है कि 30 और 45 के बीच में कोई ऐसी संख्या हो जाए जो 15 से कटे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 15 है तो इसका अंतर 15 से कम नहीं हो सकता, नेवर लेस देन 15। इससे क्या पता चला? अगर कोई कह रहा है कि भाई दो संख्या ए और बी है उनका अंतर 10 है, इसका मतलब उसका एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन 10। एचसीएफ कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता। यही मतलब, अभी 10 से बन गया मतलब 12 अगर ले लिया तो 12 से दोनों नहीं कट पाएंगी, कोई एक ही कटेगी, ना हो सकता है एक भी ना कटे। तो मैं ये कह सकता हूं असली मेथड में कि भाई एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन, एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू नंबर। ये तो पॉलिनोमियल में भी काम आएगी। मैं अलजेब्रा जब पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वहां भी ऐसा होगा, दो पॉलिनोमियल का एचसीएफ उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू नंबर। किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ दो नंबर के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ, इसके आगे भी लिख लीजिए, एचसीएफ मे बी डिफरेंस, एचसीएफ मे बी डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस, एचसीएफ मे बी डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब है कि एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। बहुत काम की बात है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया असली मेथड। असली चीज तो यही है। जैसे मतलब क्या है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे 12 और 16 का मुझे एचसीएफ लेना था, तो मैंने क्या किया भाई, 12 16 का अंतर कितना है? 4। 4 से बड़ा नहीं हो सकता ऐसे, या तो 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा। मैंने देखा 4 से ये संख्या भी कट रही, भी कट रही, यही आंसर है। देखा आपने, एक लाइन में मैंने बता दिया 4 इसका एलसीएफ होगा। कोई स्कोप ही नहीं है कि ना बताओ, बात आ रही है समझ, क्लियर आ रही है? इसके बाद आप एचसीएफ में भी वही 3 कॉलम बना लीजिए कि कैसे एचसीएफ होगा, एचसीएफ के क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, अगर हम ब्रेक ले लें 1 मिनट का, चलेगा? ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है।